प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल रहवा खातर पुग्या दक्षिण अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग सम्मेलन रा प्लेनरी सेशन में किया शामिल। G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक 24 और 25 अगस्त में राखी जावला जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो संदेश वेला बैठक रो उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पेपर लीक मामला न ले राज्य सरकार वाला साध्य निशानो युवा प्रतिनिधि सम्मेलन न कर संबोधित प्रदेश रा 33 खेलो इंडिया केंद्र आदि कर शुरुआत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ बड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत मिल पारो कर दावो कया पार्टी आ बड़ा चुनाव में हासिल करेला बड़ी जीत। आर आज भारत रे वास्ते मिशन चंद्रमा रचे ऐतिहासिक दिन देश रो तीसरो चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आज संध्या 6:04 माले धरलो चांदी सतह माले पहलो कदम। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में राखी जा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रा प्लेनरी सेशन रा संबोधित कर्या। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कह्या कि जोहान्सबर्ग रो भारत और भारत रा लोगा सु पुरानो नातो है। ब्रिक्स एक लंबी और शानदार यात्रा तय करी है वे शिक्षा स्किल और टेक्नोलॉजी में सहयोग माथे जोर देना। ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज इंस्पायरिंग इनोवेशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान व्यापार रक्षा और निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने पर प्रतिबद्धता जताई।
G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक जयपुर में 24 और 25 अगस्त में राखी जावला। बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया समेत कई देशों रा व्यापार मंत्री शामिल वेला। बैठक रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो संदेश ने प्रसारित कर जावला, जो वैश्विक व्यापार और निवेश मुद्दा माथे सार्थक चर्चा खातर मंच तैयार करेला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पेपर लीक मामला ने ले राज्य सरकार माला निशानों साध्या है। आज जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे खबर नविसा सो बातचीत करता था का वह कहा कि केंद्र सरकार न्यारी न्यारी योजना वाले जरिए लोगों ने फायदो पुगाई है। केंद्रीय मंत्री कहा कि राज्य में कई नुवा मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार देन है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में राखी जा युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल किया। राजस्थान की महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकती, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन दलितों के प्रति हो रहे अपराध अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती हूँ। आखिर वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ पर है? एक दलित महिला के साथ थानागाजी में गैंग रेप हुआ, उसका वीडियो वायरल किया गया, और तो और पुलिस से मदद मांगने गई तो मदद तो दूर मिलने की बात है, मुकदमा भी दर्ज वहां पर नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं आपके सामने हैं जो इस वीर भूमि को बदनाम करती है। अब एक और 2 महीने पहले बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने ही सामूहिक दुष्कर्म किया, इस पे भी कंप्लेंट और उस पे कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया जी? अभियुक्तों को बचाने में लगी थी सरकार एक तरह से। अभी करौली में, करौली जिले के नदौती में 20 साल की दलित युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मार दी गई, एसिड डाल के फिर उसको कुएं में फेंक दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सो 2 दिनारा जयपुर दौरा मारा है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम रा इंडोर हॉल में राजस्थान ने आवंटित 33 खेलो इंडिया केंद्र की शुरुआत करया। केंद्रीय मंत्री राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलबारी बड़ी घोषणा करया। इंडा साथ ही कोचिंग द कोच कार्यक्रम रे तहत कोच प्रशिक्षण माथे भी जोर दीना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री केंद्रीय सूच पंडित नेहरू जी ने देश को एक ऐसा जख्म दिया था 370 से, उसका सदा सदा के लिए इलाज किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने। जहां मैं साइबर अपराध की बात करता हूं तो 5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अपराध यहीं पर हुए हैं। राजस्थान में साइबर क्राइम नंबर 1 पर है और गैंगवार चरम पर है। 7500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं मित्रों, कुल मिलाकर अपराध की घटनाएं और जो मुकदमे दर्ज हुए वो 2 लाख से ज्यादा पूरे राजस्थान में हुए हैं और 30,000 से ज्यादा तो दुष्कर्म की घटनाएं हैं। ये आंकड़े अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या, जहां आपराधिक मामले इतने दर्ज हो जाए, 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो, प्रतिदिन 17 बहन बेटियों के साथ इस तरह की दुराचार की घटनाएं सामने आए, क्या वो राजस्थान की सरकार को एक दिन भी और रहने का अधिकार है क्या? क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे? क्या कांग्रेस की सरकार को उखाड़ेंगे? क्या राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सो 2 दिनारा जयपुर दौरा माला है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम रा इंडोर हॉल रमाए राजस्थान ने आवंटित 33 खेलो इंडिया केंद्र की शुरुआत करया। केंद्रीय मंत्री राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलबारी बड़ी घोषणा करया। इंडा साथ ही कोचिंग द कोच कार्यक्रम रे तहत कोच प्रशिक्षण माथे भी जोर दीना।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि राजस्थान का खिलाड़िया ने चिंता करबारी जरूरत नहीं है वन किणी भांति परेशानी नहीं आवा दी जावला। इंडा साथ ही नुवा जिला री 51 खेलो इंडिया सेंटर खोलबारी भी वे घोषणा कराया। खेलो इंडिया सेंटर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि खेलों को जिला स्तर पर सेंटर्स खोल के फॉर्मर चैंपियन एथलीट को जो पूर्व हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं उनकी नियुक्ति की जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको 5 लाख रुपया साल का उस सेंटर को चलाने के लिए दिया जाए ताकि उसके सैलरी का कॉम्पोनेंट भी उसमें देखा जाए। 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश भर में खोलने की ना केवल सोच बल्कि उसको पूरा करने का कार्य है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के लिए एक साथ 33 खेलो इंडिया सेंटर्स का जहां एक और उद्घाटन किया गया, वहीं पर हमने ये प्रतिबद्धता भी दिखाई है कि अगर यहां पर जिले 50 हो गए हैं तो 50 नहीं हम 51 खेलो इंडिया सेंटर राजस्थान के लिए इसकी घोषणा भी की है। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसा माननीय सतीश पुनिया जी ने, कृष्णा जी ने और भाई अशोक जी ने निवेदन भी किया था और इनका आग्रह था कि यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले और हमें भी लगता है कि राजस्थान खेलों की दृष्टि से और आगे बढ़े तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भी राजस्थान में किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ताबड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत मिलबारो दाव कराया है। अलवर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक रे पछे खबर रविशासु बातचीत करता था का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा कि प्रदेश में जड़ा हालात बनेड़ा है वन देखता था का भारतीय जनता पार्टी आबाड़ा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेला। देखिए राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं और मुझे पूरे राजस्थान में जाने का ढूंढने का काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मेरी पार्टी देती है, मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह के हालात हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी खुद का पिछला जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और पिछला रिकॉर्ड 2013 का था जब 63 सीटें हमको मिली थी, हम अपने रिकॉर्ड जो है आपकी बार तोड़ देंगे और एक बार नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता का ऐसा प्रचंड आक्रोश इस कांग्रेस पार्टी के सरकार के विरुद्ध है, महिलाएं किसान युवा सभी लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिन गिनने तक इंतजार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सुमारे जयपुर हवाई अड्डे पर गया। इन दौरान वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामला में जमर घेरिया। केंद्रीय मंत्री कहा कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक ने बढ़ावा दे रही है जिनसु नौजवाना ने आपरा भविष्य माथे खतरो मंडरा तो नजर आ रही है। राजस्थान के युवाओं ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में लूट का शासन, भ्रष्टाचार का शासन देखा है। कहीं पेपर लीक तो कहीं नौकरियों में धांधलेबाजी और इन सब लूट से छुटकारा दिलाने का मन पक्का प्रदेश के युवाओं ने कर लिया है और ये प्रण जो है प्रदेश के युवाओं का ये राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त शासन से मुक्ति दिलाएगा। राज्य सरकार का निशु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती न ले भारतीय जनता पार्टी का निशु कालसो आंदोलन करो जा भला। आज भाजपा मुख्यालय में राखी जी एक प्रेस वार्ता रबाए भाजपा नेता राजेंद्र राठौर कहा कि बिजली की कमी दिखार महंगी बिजली खरीद कर संस्थागत भ्रष्टाचार करो जा रही है। राजस्थान की विधानसभा में दंभ भरा था कि 23,309 मेगावाट के साथ राजस्थान सरप्लस स्टेट बिजली की दृष्टि से हो गया है। सरकार ने जनता को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त और फ्यूल चार्ज से मुक्त करने की बात कही। आज हालात ये है कि राजस्थान के शहरी क्षेत्र में 5 से 6 घंटे की कटौती और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 9 घंटों की लगातार कटौती है।
एक तरफ सारा विद्युत तंत्र ठप हो गया, सबसे मजबूत कड़ी जेएनसी हड़ताल पर चले गए और कल सरकार ने कहा महंगी बिजली खरीदेंगे। पिछली बार भी खुद के थर्मल पावर को बंद करके, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर 7 सरकार के खुद के थर्मल पावर हाउस 2740 मेगावाट के सरकार ने बंद कर रखे हैं कोयले की गुणवत्ता की कमी के नाम पर और रख रखाव की कमी के नाम पर। जहां एक और बिजली की कमी दिखाकर सरकार महंगी बिजली खरीद कर महंगा कोयला खरीद के संस्थागत भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है, वहीं 100 यूनिट के बिजली फ्री करने के बाद उपभोक्ताओं के पास बड़े हुए बिल उनके हाथ में आए हैं और साथ ही अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत अब सामने आ रही है। सरकार की इस कथनी और करनी के अंतर के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि कल से भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र में AEN को और ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी GSS होंगे वहां विरोध प्रकट करेगी, काले झंडे बांधेगी और धरना करेगी। हमारे जहां बिजली गुल होगी वहां पार्टी का युवा मोर्चा लालटन मार्च करेगा, कैंडल मार्च करेगा, हम आंदोलन करेंगे। देशरो तीसरो चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आज संध्या 6:04 माले चांदरी सतह वाला उतरेला। चंद्रमा सु करीब 25 किलोमीटर री दूरी सु चंद्रमा तानी आबारे दौरान लैंडर री गति कम करनो इन अभियान रो सबसे कठिन चरण पहला। विक्रम लैंडर रो रोवर प्रज्ञान रे साथे चंद्रमा माला सब कठिन स्थिति रो सामो करनो पड़ेला। चंद्रयान रा चंद्रमा री सतह माला उतरनो भारत रे वास्ते ऐतिहासिक कदम पहला। भारत सहित पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां भी हैं। इनमें लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना, लैंडर को उतरते समय सीधा रखना और उसे निर्धारित जगह पर उतारना प्रमुख है। चंद्रयान 3 की कामयाबी में आखिरी के 15 मिनट बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि शाम 5:47 पर जब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के लिए इसे उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से वर्टिकल यानी लंबवत स्थिति में बदलना होगा। चंद्रयान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया 4 व्यापक चरणों में होगी। पहला रफ ब्रेकिंग फेज 690 सेकंड का होगा और लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडिंग शुरू करेगा, जिसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। गति कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। इस चरण में चंद्रयान की दूरी को चांद की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर पर लाया जाएगा। अगला चरण एल्टीट्यूड होल्ड होगा। इसमें 10 सेकंड के दौरान लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर और गति 336 मीटर प्रति सेकंड की जाएगी। तीसरा चरण होगा फाइन ब्रेकिंग, जो लगभग 175 सेकंड का होगा। इस दौरान लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल यानी लंबवत स्थिति में आ जाएगा। लैंडर को चांद की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच ले जाया जाएगा। यहां पहुंचने के बाद लैंडर की स्पीड लगभग शून्य हो जाएगी और लैंडर मंडराने लगे। लैंडर चांद की सतह का जायजा लेगा और लैंडिंग चंद्रयान 3 आज चांद माले पहलू कदम धरेला। चंद्रयान 3 री लैंडिंग री खास स्क्रीनिंग खातर देश भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। बठई इंडी सफल लैंडिंग खातर देश भर में पूजा अर्चना भी करी जा रही है। श्री गंगानगर रा सूरतगढ़ रा सूतेश्वर महादेव मिंदर रमाए चंद्रयान री सफल लैंडिंग खातर पूजा अर्चना करेगी। शिव भक्त मंडली समिति का निशु वैज्ञानिका ने बधाई दी की। शाम 6:03 पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से लैंडिंग करेगा, उसकी सब को खूब घड़ी बधाई। हम बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतीय चंद्रयान 3 की लैंडिंग अच्छी तरह से शुभ मुहूर्त में हो जाए, इसके लिए हम बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना और शुभ अभिषेक। जय भोलेनाथ बम बम। 6:03 पे हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। आज शिव भक्त मंडली द्वारा इसके लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। हम सबसे पहले तो इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनके सफलता के लिए। हमने आज
भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास करेगा। हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उनकी कामयाबी के लिए बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 887 करोड़ रूपया 36 कामकाज रूप वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करया। इंडस साथ ही 3 नर्सिंग कॉलेजा की नींव धरिया। इनसु पहली मुख्यमंत्री प्रदेश का 7 संभाग का खातर कैंसर निदान वैन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। गुड टच बैड टच माथे प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय कार्यशाला राखेगी। राजस्थान राज्य शिक्षा महकमा की पहल सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के तहत प्रतापगढ़ में 1,032 शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षित करी गयो है। प्रशिक्षण प्रभारी शालिनी व्यास बताया कि जिला रमाए हर विद्यालय से एक शिक्षिका ने प्रभारी बना गुड टच बैड टच खातर प्रशिक्षित करी गयो है। अपराध से निपटवार कानून व्यवस्था ने कड़ी करवा खातर राजस्थान पुलिस अब सोशल प्लेटफार्म सहारो लेनो शुरू कर देनी है। श्रीगंगानगर में जिला पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफार्म रा क्यूआर कोड आम जनता खातर जारी करता थका कानून व्यवस्था मजबूत करवारी कवायद करी है। श्रीगंगानगर में राखी जाए कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा क्यूआर से संबंधित पोस्टरों विमोचन कराया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं तो उस पर कहाँ वो सूचना दें, किस तरह की वो बात करें, तो इस एक पोस्टर उसके लिए विमोचित किया गया है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। वो सूचित करेंगे तो वो सूचना पुलिस के पास आएगी और पुलिस उस पर आगे अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेगी। इसका पर्पज़ ये है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा सकें कि यदि वो डिस्ट्रेस में है तो किस चीज़ से किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं। 37वें अखिल भारतीय जीएसआई वॉलीबॉल हॉट रो आज उद्घाटन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण परिषद जयपुर में करो गयो। होडरा में देशभर से 8 टीम शामिल वेरी है। 2 दिनारी इन होडरा मुकाबला में जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में इनरा मुकाबला खेले जावला। आज विया उद्घाटन जलसा रमाए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रा सीईओ राम अवतार सिंह जाखड़, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रा एचओडी जयलाल आज जीएसआई स्पोर्ट्स काउंसिल रा एचओडी जयदीप गुहा समेत विभाग रा अधिकारी और कर्मचारी और वॉलीबॉल खिलाड़ी मौजूद, जिसमें कि हमारी इतनी सारी टीमें आकर के उसमें भाग ले रही है और अपना सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग शो करेंगे और जो भी टीमें जीतेंगी विजयी होंगी उनको अभी पारितोषक दिया जाएगा। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमको स्वास्थ्य में वृद्धि कराता है, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, तो हम इसी खेल भावना से आज इसको खेल रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा जो है ये बिटवीन एम्प्लॉयज है, लेकिन इसका एक जो बेनिफिट मिलता है, हमें एक फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि जो लड़के अच्छा खेलते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं, राजस्थान की टीम में भी खेलते हैं एंड दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल इवेंट्स ऑल्सो। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके का एक माहौल जो यहाँ का है, हमारे पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न रीजन का है, तो निश्चित रूप से एक आवश्यक तत्व है जो यहाँ एक वॉलीबॉल खेल के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस साल का जो हम लोगों का प्रोग्राम जो है वेस्ट जोन से ही स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद बाकी जोन्स में अलग अलग प्रोग्राम्स और टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। तो मेरा आशा यही है कि इस बार का वेस्ट जोन में जो अभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा ये बहुत सफल होगा। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार रा कानिसु प्रदेश स्तरीय संगीत नाटक और नृत्य उत्सव पंचतत्व रो आज जयपुर में शुभारंभ करे गयो। 3 दिनारा जलसा रे तहत जयपुर रविंद्र मंच माले आज नाटक तमाशा वजराज रो मंचन करे गयो। नाटक में कलाकारा कानिसु लुभावनी प्रस्तुति दी गई। पंचतत्व कार्यक्रम है जो कि 3 दिवसीय नाट्य फेस्टिवल है जो कि 2 दिन 23 और 24 को रविंद्र मंच के मिनी स्टूडियो में खेला जाएगा और तीसरे दिन विज्ञान साइंस सेंटर में खेला जाएगा। चूँकि पर्यावरण को लेकर हम सभी नाट्य की प्रस्तुति यहाँ कर इस प्रोग्राम में करवा रहे हैं और
प्रदेश स्तरीय इस प्रोग्राम में जयपुर के कलाकारों को मौका दिया जा रहा है, उनकी प्रस्तुतियां हम पेश कर रहे हैं। चूँकि इसमें हमारी ऑडियंस, हम काफ़ी स्कूल्स के बच्चों को बुलाते हैं ताकि बच्चे पर्यावरण के ऊपर नाट्य की शिक्षा से कुछ सीख ले पाएँ। प्रदेश में लार्ला किणी दिनासू मानसून की सक्रियता में कमी आई है, जिनके कारण उमस रो प्रकोप बढ़तो जा रही है। राजधानी जयपुर में बिरखा नी बैबासू उमस भरी गर्मी पड़ रही है। राजधानी जयपुर में यह दिना बिरखा नी बैबासू उमस घरी गर्मी रो जोर बढ़ गयो है। मौसम महकमा ने मुजब लार्ला 24 घंटा रे दौरान दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर जिला में कटे कटे भारी और अति भारी बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम महकमो आज उत्तर पूर्वी राजस्थान रा भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और अलवर जिला में बिरखा व्यवारी आज जतायो है। अरब एक खास खबर एक कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल वेबा खातर को गया दक्षिण अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग, सम्मेलन रा प्लेनरी सेशन में किया शामिल। G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक 24 और 25 अगस्त में राखी जा वाला जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वीडियो संदेश तो वाला बैठक रो उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पेपर लीक मामला ने ले राज्य सरकार वाला साध्या निशानों। युवा प्रतिनिधि सम्मेलन ने कर संबोधित, प्रदेश रा 33 खेलो इंडिया केंद्र की कर शुरुआत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आबाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत मिलवा लो कर दाव, गया पार्टी आबाड़ा चुनाव में हासिल करेला बड़ी जीत। और आज भारत र वास्ते मिशन चंद्रमा रे तहत ऐतिहासिक दिन, देश रो तीसरो चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आज सिंजर 6:04 माले धरलो चांदी सतह माले पहलो कदम। इंडा साथी या बुलेटिन अठाई पूरी हो सा। नमस्कार।